Namaskar, all my Raja Beta and Raja Betiya, I wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily. Unacademy, jo ki apne aap mein ek statement hai, jo ki unbeatable hai, unstoppable hai. Aapke karan, jo pyar aapne diya hai, jo respect aapne di hai, usi ke karan aaj hum aapke saamne hain aur aapne ek national figure banaya hai hume. It's all because of you. हाँ जी, कौन कौन है जी हमारे साथ? राजा राम जी, निशा, प्रंजल, नैन्सी, युक्ता, पुनीता, शिवानी, डॉली, रमेश, सेतु, सार्थक, वेदव्यास, सुधांशु, पुनीता, नरेंद्र, हरि, रमेश, करिश्मा, सौम्यदीप, बहुत सारे बच्चे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप में से बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर पहले क्विज में भी थे. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्विज जो हमने लिया, उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो सेम कंटिन्यू कर रहे आगे. दैट्स रियली वंडरफुल, नाइस टू सी. चलिए जी, आपका टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अनअकैडमी का ये प्लस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा और इसमें टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशन हैं, मोर पर्सनलाइज अटेंशन है. टॉपिक क्या है आज हमारा? आई, ह्यूमन आई हम पढ़ रहे थे ना, द सेंस ऑर्गन फॉर विजन. ओके, आगे बढ़ाएंगे आज हम इसी को. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए बेटा और इसके जरिए जो है आप हमसे जुड़ जाते हैं. क्लियर है जी? राइट, प्लस के प्लेटफॉर्म पे चलने वाले ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स है राजा बेटा आपके सामने, जिसमें मैं एम्फोसिस देता हूँ आपको हमेशा ये नवंबर वाले बैच का. राइट जी, जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं. और भी एजुकेटर्स हैं, महेंद्र सर हैं, अश्विनी सर हैं. नाउ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में इंस्टॉल कर लीजिए और ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस के सेक्शन में जाना है और फिर नीट सेलेक्ट करना है. एंड फाइनली जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको नीट लाइव कोड यूज़ करना नहीं भूलना है, बिकॉज इस कोड के ज़रिए आप हमसे स्पेशल डिस्काउंट पाते हैं हमारी टीम की तरफ से, जो बेहतरीन तोहफा है आपके लिए. ओके जी, माई राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं जी. डॉक्टर निमय, नाइस टू सी यू. संदीप, युक्ता, रमेश, शेफाली, करिश्मा, वेदव्यास, अर्घा, अनुरेश, भारती, एन के डी, कुमार, राजा राम, पंकज, विकी, माइनुद्दीन, उमर, मिनती, रमेश, अनुरेश, शिवानी, ब्यूटिफुल, सब रेगुलर स्टूडेंट्स आ चुके हैं. और देखिए जी, प्यारे सी कोटेशन है आपके लिए, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो. आपका भविष्य निर्धारित होगा इस बात से कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस बात से नहीं कि आप कल क्या करेंगे. तो भाई जो आज हम कर रहे हैं उसे पूरी डेडिकेशन के साथ, उसे पूरी अच्छी नीयत के साथ, एक पूरा दमदार जोर लगा के कर दें बस एक बार. और आपको पता है आजकल सुनने में ये भी न्यूज़ आ रही है कि शायद कह रहा हूँ मैं, शायद नीट जो है वो दो बार हो अगले साल. न्यूज़ है अभी ये, कन्फर्म्ड नहीं है. जैसे ही ऐसा कुछ कन्फर्म होगा कि क्या नीट 2020 दो बार हो रहा है या नहीं, हम आपको ज़रूर बताएंगे. एक उड़ती उड़ती खबर है जी, अभी आप में से भी कई लोगों ने सुना होगा, है ना. कोटेशन पसंद आ रही है जी निकिता को, प्रभात, प्रिंसी, ग्रेट. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सो अगर जैसे ही जब हमें फाइनल पता चलेगा ना कि नीट का एक्चुअल सीन क्या है, क्या दो बार है या नहीं, आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी वो न्यूज़. पक्का जी? चलो बढ़ते हैं आगे, ब्यूटीफुल सी क्लास आगे बढ़ाते हैं. जिक्र कर रहे थे हम ह्यूमन आई का, द सेंस ऑर्गन फॉर विजन. आंखें हैं तो जहान है आपके लिए, आसपास की दुनिया को आप देख पाते हैं इन आंखों के जरिए ही तो. ओके, आई का जब आप फ्रंटल व्यू देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस वाइट पार्ट ऑफ द आई इज व्हाट इज कॉल्ड स्क्लेरा. और ये जो बड़ा वाला गोला आपको दिख रहा है दैट इज आयरिस. आयरिस के कारण ही आपकी आंख का रंग है. और वो जो बीच में आपको काला गोला दिख रहा है दैट इज व्हाट इज प्यूपिल. प्यूपिल जो है लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है. प्यूपिल बड़ा या छोटा होता है कि भाई कितनी लाइट जो है आंख में एंटर करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको बताया था कि आईबॉल का थोड़ा सा रीकैप दे रहा हूँ आपको, है ना. जो बच्चों ने कल क्लास नहीं अटेंड करी किसी वजह से, उनको भी थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ कि कल क्या पढ़ा दिया था मैंने. राइट, आईबॉल का डायामीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर है. न्यूबॉर्न बेबी में 16 मिलीमीटर्स है, 1.6 सेंटीमीटर. सो न्यूबॉर्न बेबी से एडल्ट तक पहुँचते पहुँचते आँख का साइज़ बड़ा होता है. कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि आँख का साइज़ बड़ा ही नहीं होता जन्म से लेके आगे तक, ये गलत है. आँखों का साइज़ बड़ा होता है. राइट, आईबॉल एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. परफेक्टली स्फेरिकल क्यों नहीं है? क्योंकि कॉर्निया जो है वो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है. कॉर्निया बल्जेस फॉरवर्ड्स. अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखें तो आईबॉल की तीन लेयर्स होती हैं, तीन कोट्स होते हैं. मैंने तीनों लेयर्स आपको बताई थी. आउटर मोस्ट फाइबरस ट्यूनिक, देर इज मिडल वेस्कुलर ट्यूनिक, और सबसे अंदर रेटिना होता है. राइट, जो तीन कोट्स हैं आईबॉल के हम देख सकते हैं. आउटर मोस्ट फाइबरस कोट,
जिसको ट्यूनिका फाइब्रोसा भी कहते हैं, इसमें कॉर्निया और स्क्लेरा आते हैं। ये आगे वाला हिस्सा जो है जहाँ आके लाइट स्ट्राइक करती है, दिस इज व्हाट इज कॉर्निया, और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर जो हो जाती है ये दिस इज व्हाट इज स्क्लेरा, ये लेबल्ड है। उसके बाद आता है मिडल वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई होती है। मिडल वेस्कुलर लेयर के तीन हिस्से होते हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आयरिस। और सबसे अंदर वाला कोट जो है न्यूरल लेयर, नर्वस लेयर भी बोलते हैं, जिसे रेटिना बोलते हैं। ये वाली चीज़ क्या है राजा बेटा, दिस इज ऑप्टिक नर्व जो मैसेज लेकर के जाती है आगे। ओके जी, ये रहा आई का लेंस। जैसे लाइट आंख में एंटर कर रही है, जितने भी स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो पास होगी, वो सभी लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन सिंपल फिनोमेना है भाई, जब मीडियम की डेंसिटी बदलेगी तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है। ये एंटीरियर सेगमेंट कहलाती है आंख की, ये पोस्टीरियर सेगमेंट या पोस्टीरियर कैविटी। यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है, आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर है। फंक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोट्स ऑफ आई, फिर से रिकैप दे रहा हूँ। आईबॉल का एक कंप्लीट कोट है जो कि कॉर्नियोस्क्लेरल कोट है। जब आपने कहा कॉर्नियोस्क्लेरल कोट तो आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए इसमें दो चीजें आती हैं, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। मिडल वाला कोट जो है दैट इज वेस्कुलर कोट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यूविया और यूवियल ट्रैक्ट। इसमें तीन चीजें आती हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आयरिस। सबसे अंदर वाला कोट जो है रेटिना है, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स हैं, उसका भी जिक्र करेंगे आज। ये वाली स्लाइड भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ओके जी, राइट, आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम भी आपको दिखाया था मैंने पिछली बार। आईबॉल का साइड से सेक्शन लिया गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉर्निया है, और ये वाला आयरिस के बीच में जो अपर्चर है, जो छेद है, दैट इज प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, लेंस से टकराती है। लेंस इलास्टिक बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। पूरी आंख में लेंस ही केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी रिफ्रैक्टरी पावर बदल सकता है। लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स या कम कॉन्वेक्स हो जाता है। आप जानते हैं कि हम पास की वाली चीज को भी देख सकते हैं और दूर वाली चीज को भी देख सकते हैं, तो लेंस जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपना कर्वेचर बदलता है, ज्यादा कॉन्वेक्स या कम कॉन्वेक्स हो जाता है, ताकि आप पास वाली चीज और दूर वाली चीज दोनों देख सके। बढ़ती उम्र के साथ लेंस की ये पावर कम होती है, प्रेस बायोपिया कहते हैं उसे, उस पर भी आएंगे हम अभी आगे। चलिए जी, जिक्र करना है हमने वेस्कुलर कोट का, मिडल वाला कोट, दिस इज द मिडल लेयर। पिछली क्लास में मैं आपको कॉर्निया और स्क्लेरा डिटेल में बता चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं करा है आई का, आप अनअकैडमी के चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाइएगा, बायोलॉजी सेक्शन में मेरे सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे आप आई का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने कॉर्निया एंड स्क्लेरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट मैंने वेस्कुलर कोट में से कोरॉइड भी बता दिया था। मिडल वेस्कुलर कोट के तीन हिस्से हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आयरिस। कोरॉइड लेयर के बारे में बताया था कि इसमें मेलानिन पिगमेंट होती है, इट कन्वर्ट्स आईबॉल इनटू अ डार्क चैम्बर। आंख में जब लाइट एंटर करती है तो भाई वो रिफ्लेक्ट होके वापस क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि कोरॉइड की मेलानिन पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरी आंख को एक डार्क चैम्बर में बदल देती है। इस डायग्राम में देखिए आईबॉल की तीन परतें, तीन लेयर्स ऐसे उधेड़ के एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाई गई हैं। सबसे बाहर वाली जो है वही कॉर्नियोस्क्लेरल कोट, स्क्लेरा दिख रहा है। उसके बाद यह आपको जो गाजरी से रंग की चीज अंदर दिख रही है, दैट इज व्हाट इज कोरॉइड, और वही कोरॉइड, ये वाली चीज जहां पे मैं इससे एरो से मार्क कर रहा हूं, ये दिस इज व्हाट इज कोरॉइड। यही कोरॉइड लेयर आगे की तरफ आके सीलियरी बॉडी बना रही है, और इसी ने आगे की तरफ आयरिस बनाया है, राइट जी। ये जो डार्क ऑरेंजिश से आपको लग रही है, उसके अंदर जो पीले रंग वाली लेयर है, ये पीली परत जो है, जो लेयर है, दैट इज व्हाट इज रेटिना। थ्री डायमेंशनल वे में सोच करके देखे से, ये पीली परत पूरी की पूरी रेटिना है, इसमें रॉड्स एंड कोन्स होंगे, ठीक है। कोरॉइड के बारे में क्या लिखा है, इट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक। ट्यूनिक शब्द का मतलब कवर, लेयर। इट लाइंस मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा के साथ जुड़ी है कोरॉइड जो है, आप देखिए स्क्लेरा के साथ ही तो चिपकी हुई है। यहाँ पे तो हमने काट के उधेड़ के आपको दिखाया समझ के लिए, स्क्लेरा के साथ साथ चिपकी हुई है वो बिल्कुल। आगे की तरफ आते आते ये स्क्लेरा से थोड़ी हटती है और ये आयरिस और सीलियरी बॉडी बना देती है। तो ये सीलियरी बॉडी और आयरिस जो है ये कोरॉइड का ही एक्सटेंशन है आगे की तरफ। कोरॉइड में ब्लड वेसल्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना। कोरॉइड में ब्लड वेसल्स हैं जो न्यूट्रिशन के लिए हैं। कोरॉइड में आपको बताया था इट इज कन्वर्टिंग द आईबॉल इनटू अ डार्क चैम्बर, इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। फालतू की लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके आंख में से बाहर निकल जाएगी तो आप देख नहीं पाएंगे,
क्लियर है जी. कोरोइड के फंक्शंस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो गया था. आगे देखते हैं. एल्बिनोज के केस में मैंने बताया था कि मेलानिन पिगमेंट नहीं होती शरीर में, तो भाई उनकी आंखों में भी नहीं होती मेलानिन पिगमेंट. तो आप खुद देखिए कि हल्की सी लाइट भी आंख में जाएगी तो वो कैसे फैलेगी, ग्लेयर नजर आएगा उन्हें. तो इसलिए उन लोगों को जो है चश्मा लगाना पड़ता है. एल्बिनोज लैक मेलानिन in all parts of the body including eye, so they often need to wear sunglasses even indoors, because even halki si light bhi aankh mein jati hai to bright glare hota hai aankh mein kyunki light scatter karti hai. Clear hai ji itna recap, right? Ab hum aate hain ciliary body pe. ciliary body aur iris ke bare mein aapko batata hu, right ji. ciliary body jo hai isme bhi melanin jo hai wo pigment hoti hai. ciliary body ko agar jaise maan lijiye hum samne se dekh rahe hain, jab aap frontal view dekhte hain na ciliary body ka, to aise aapko ek gold structure hi nazar aayega is tarah se jab aap samne se dekh rahe hain. so peripherally the ciliary body is smooth, but centrally it has numerous finger like projections. ये सिलिरी बॉडी के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सिलिरी प्रोसेसेस कहते हैं. मैं लेबल कर देता हूं जी, ये जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस मैंने बनाए हैं, दीज आर, ये वाला जो लिखा है सिलिरी प्रोसेसेस, ये फ्रंटल व्यू है. जब आप सामने से देख रहे हैं आंख में, ऐसे बिल्कुल सामने से देखेंगे तो सबसे पहले तो कॉर्निया है. कॉर्निया इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, इसलिए वो दिखता नहीं है. कॉर्निया के पीछे वो जो बड़ा वाला गोला नजर आ रहा है वो आयरिस है. आयरिस के पीछे है ये सिलियरी बॉडी जिसने लेंस को पकड़ा हुआ है, राइट जी. सो लिखा है पेरिफेरली इट इज स्मूथ, सिलियरी बॉडी स्मूथ, but centrally it has numerous finger like projections which are called ciliary processes. ye jo is tarah ke processes hai na, 70 se 80 processes hote hain. they are highly vascular, inme blood supply bahut zyada hai, aur yahi aqueous humor banate hain. agar humse question pucha jaye ki eye mein aqueous humor kaun banata hai, ciliary processes. ciliary processes are highly vascular and these are the site for the formation of aqueous humor. देखिए aqueous humor क्या कर रहा है, आंख को न्यूट्रिशन दे रहा है. कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, कॉर्निया को न्यूट्रिशन कौन देगा, aqueous humor. लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेंस को न्यूट्रिशन कौन देगा, aqueous humor. अब मैं बताता हूं कि ciliary body में यहां पे लेंस कहां है. देखिए बेटा लेंस के लिए, चलो ये रेड कलर से दिखा देता हूं. ये बिल्कुल सेंटर में आप एक गोल चीज इमेजिन कर लीजिए, दिस इज व्हाट इज लेंस, है ना. मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, ये रहा लेंस. ओके, नाउ सिलियरी प्रोसेसेस से पतले पतले फाइन फिलामेंट्स निकलते हैं, धागे जैसी चीज, जिनको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूले ऑफ जिन. वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस के कैप्स्यूल के साथ ब्लेंड करते हैं और लेंस को पकड़ के रखते हैं. देखो मैं बना रहा हूं आपके सामने. सिलियरी प्रोसेसेस से फाइन फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जोन्यूले ऑफ जिन, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिलियरी प्रोसेसेस एंड दे ब्लेंड विद द कैप्स्यूल ऑफ द लेंस, राइट. इनको लेबल करें, ये जो काली वाली चीज बनाई है मैंने यहां पे, क्या बनाए हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स. क्या काम है इनका, दीज होल्ड लेंस इन पोजिशन, लेंस को पकड़ के रखे हुए. ये आप सिलियरी बॉडी को ऐसे सामने से देख रहे हो, क्लियर है जी, राइट. बताइए मुझे इतना क्लियर हुआ है जी आपको जितना मैंने समझाया है. नहीं नहीं आज आंखें खराब नहीं हो जाएंगी खुशी, आज आंखें बिल्कुल हम ठीक करेंगे. अविनाश, इशिका, थैंक यू सो मच. पल्लवी, खुशी, वेद व्यास, बताइए जी मुझे जल्दी से, आपको सिलियरी बॉडी समझ आया राजा बेटा. ये मैंने फ्रंटल व्यू दिखाया है, यहां पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने शायद बुक्स में फ्रंटल व्यू नहीं देखा होगा सिलियरी बॉडी का, आपने साइड से देखा होगा उस चीज को. दिस इज फ्रंटल व्यू ऑफ द सिलियरी बॉडी. हाँ जी, थम्स अप साइन आने शुरू हो गए, बच्चे कह रहे हैं जी बिल्कुल क्लियर है. ऑप्टिकल स्पॉट वगैरह उन सब चीजों पे अभी हम आएंगे, थोड़ी देर शांति बनाए रखिए जी. ओके, क्लियर है जी, राइट. चलो देखो, फ्रंटल व्यू देख लिया सिलियरी बॉडी का. सिलियरी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, सिलियरी बॉडी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा
name the structure which is holding the lens in position, ciliary body. What are ciliary processes? They are producing aqueous humor. Lens apni jagah pe tika kaise hua hai? Suspensory ligaments ke zariye. Ciliary body mein ciliary muscles hote hain. Yahan pe agar main periphery mein aise dikhaun, to ye ciliary body ke ciliary muscles hain. In muscles ki contraction, relaxation ke karan, jo hai, lens ka curvature badalta hai. So, main label kar raha hoon ji, ciliary muscles. To aap dhyan rakhenge, jab ye muscles contract karenge, to lens ka curvature zyada ho jayega pass wali cheez ke liye. Beta, maine aapko bataya na, ki lens aisi cheez hai, jo pass mein dekhne mein bhi madad kar raha hai, aur dur mein bhi. पास से पास हम कितना पास देख सकते हैं जीरो तक भी आप ये मत सोचिए 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर जो आप पढ़ते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पढ़ते हैं मेरा सवाल ये था कि हम पास से पास कितना पास देख सकते हैं बिल्कुल अपनी उंगली आंख के पास ले जाइए वो भी तो आपको दिखाई दे रही है That means पास से पास हम जीरो और दूर से दूर हम इनफिनिटी तक देख सकते हैं आपको चांद तारे भी तो नजर आ रहे हैं दूर से दूर चांद तारे भी तो दिखते हैं हमें सो इसका मतलब है हमारी आंख में हमारी आई में ये मैकेनिज्म है कि हम करीब से करीब जीरो के डिस्टेंस और दूर से दूर चांद तारों तक भी देख सकते हैं तो भाई लेंस में ये काबिलियत होती है कि वो अपनी रिफ्रैक्टरी पावर बदलता है आप जानते हैं कि लाइट रेज जब एक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं रेटिना पे फाइनली उनको फोकस करना है तो लाइट को रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा लेंस भी रिफ्रैक्शन करवाता है आपने फिजिक्स में बेसिक बात पढ़ी है कि जो चीज जितनी पास होगी वहां से आने वाली लाइट रेज को ज्यादा रिफ्रैक्शन चाहिए तो लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स होना पड़ेगा जो दूर है ऑब्जेक्ट वहां से आने वाली लाइट रेज को कम रिफ्रैक्शन चाहिए तो लेंस को कम कॉन्वेक्स होना पड़ेगा तो सिंपल बात पे क्या समझे पास वाली चीज के लिए ज्यादा कॉन्वेक्स दूर वाली चीज के लिए कम कॉन्वेक्स तो लेंस के इस कर्वेचर को कौन बदलेगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेंस का कर्वेचर बदलने के लिए ही ये सीलरी बॉडी के सीलरी मसल्स हैं अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने एक खिंचाव एक तनाव बनाया हुआ है लेंस के ऊपर हर दिशा से फ्रॉम एवरी डायरेक्शन आप देखें ना लेंस को खींचा जा रहा है तो जब ये तनाव कम होगा सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होंगे ढीले पड़ेंगे तो लेंस उभर के सामने को आएगा ज्यादा कॉन्वेक्स होगा तो इसका मतलब है जब आप पास वाली चीज को देखते हैं उस समय आपके सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेरिफेरी से सीलरी मसल को पेरिफेरी से इमेजिन कीजिए पेरिफेरी से कॉन्ट्रैक्शन हुआ हर दिशा से तो ये जो ब्लैक कलर के धागे हैं ये ढीले पड़ जाएंगे ये ढीले पड़ जाएंगे तो इन्होंने जो खिंचाव तनाव जो लेंस के ऊपर बनाया हुआ है वो कम हो जाएगा तो लेंस उभर के सामने को आएगा लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा और जब आप दूर की चीज के लिए देखते हैं तो उस समय लेंस को कम कॉन्वेक्स होना है लेंस के ऊपर खिंचाव बढ़ना चाहिए तो सस्पेंसरी लिगामेंट खिंचने चाहिए और सीलरी मसल रिलैक्स होने चाहिए आपको यह बात समझ आ गई पावर ऑफ अकोमोडेशन हां जी बोलिए पावर ऑफ अकोमोडेशन जो मैंने आपको समझाया है कि हम पास से पास भी देख सकते हैं दूर से दूर भी देख सकते हैं ये सारा खेल लेंस के कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्सिटी को चेंज करने से होता है पास वाली चीज के लिए ज्यादा कॉन्वेक्स सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट दूर वाली चीज के लिए कम कॉन्वेक्स सीलरी मसल रिलैक्स उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ऊपर अलग अलग लेवल का खिंचाव या तनाव बनाएगी उसी के हिसाब से लेंस कम कॉन्वेक्स या ज्यादा कॉन्वेक्स होगा बोलिए जी चंदन कह रहे हैं जी क्रिस्टल क्लियर हो गया है एंड कुणाल शर्मा कह रहे हैं आई एम योर फैन थैंक यू सो मच जी कुणाल गॉड ब्लेस यू चलो मुझे बताओ जो मैंने समझाया है लेंस के बारे में वो मेरे सभी बच्चों को समझ आ गया है बोलिए जी जल्दी से पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर हो गया आपको कि हम पास की चीज भी देख सकते हैं दूर की चीज भी देख सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ जो है लेंस में ये काबिलियत कम होती जाती है प्रेस बायोपिया कहते हैं सो पास वाला चश्मा भी लगाना पड़ जाता है ना रीडिंग ग्लासेस हमें ओके क्रिस्टल क्लियर है शिवानी राहुल रोशनी राजा राम युक्ता पल्लवी हाँ जी बिल्कुल सीलरी मसल्स को कैसे कौन से जो है अपने आप थोड़े ना वो चीज हो जाएगी न्यूरॉन्स हैं बेटा हर चीज के लिए बस बस पल्लवी एक ही चीज को 100 बार कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं और वो भी कैपिटल लेटर्स में इसका मतलब होता है यू आर शाउटिंग ऑन द अदर पर्सन लास्ट टाइम दोबारा मत रिपीट कीजिएगा आईडी ब्लॉक हो जाएगी चलो जी ये स्लाइड देखते हैं फाइन फाइबर्स कॉल्ड
suspensory ligaments originate from ciliary processes and they blend with the capsule of the lens. These hold lens in position. ये important है, ये आपसे पूछा जा सकता है. Okay, अब आप ये देखिए, ये किस तरह से आपको दिखाया गया view. ये cornea है, ये रहा lens. एक छोटे से हिस्से को कट करके आपको दिखाया है. Cornea से light rays आएंगी. Cornea के पीछे यहाँ पे aqueous humor होता है. इसको cross करेंगी, right? कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, क्या वाकई सबको ये समस्या महसूस हो रही है? बताइए कि बेटा, काफ़ी बच्चों ने मैसेज करा है ब्राइटनेस को लेकर के. ओके, देखिए जी, लाइट रेज आ रही हैं, कॉर्निया को क्रॉस करी, एक्वस ह्यूमर में आई, लेंस को क्रॉस करती हुई गई, लेंस को क्रॉस करके पीछे की तरफ आ जाएंगी विट्रियस बॉडी में. अब आप ये देखो राजा बेटा, ये दिखाए गए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स. इन्हीं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने लेंस के ऊपर खिंचाव बनाया हुआ है, जिसके कारण लेंस जो है कम कॉन्वेक्स या ज्यादा कॉन्वेक्स होगा. क्लियर है जी? राइट? ओके, आगे बढ़ रहा हूं. ये जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, वही डायग्राम यहां पे बना हुआ है. ये सीलरी बॉडी का फ्रंटल व्यू है, जिसके अंदर ये लेंस है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है. राइट? लेंस इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा. आंख का लेंस जो होता है, इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर. लेंस कॉन्टिन्यूस टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ. पूरी उम्र लेंस जो है वो बड़ा होता रहता है. लेंस इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स. और लेंस के ये सेल्स जो है, जैसे जैसे लेंस ग्रो करता है, ये इनकी ऑर्गेनल्स जो है, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स, दे डाई, खत्म हो जाते हैं. और लेंस के सेल्स खिंच के लंबे लंबे धागे बन जाते हैं, जिन्हें लेंस फाइबर्स कहते हैं. लेंस के अंदर क्रिस्टलिन प्रोटीन भी होते हैं. क्या आपको पता है लेंस कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट ऑल्सो, अल्ट्रावायलेट लाइट को भी लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है. लेंस एक लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग नहीं है. लेंस को न्यूट्रिशन मिलती है एक्वस ह्यूमर से. पढ़ते हैं पहले बातें और. सीलरी बॉडी के जो सीलरी मसल्स हैं, वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही जो है जोन्यूलर फाइबर्स के ऊपर टाइटनेस चेंज होता है. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सीलरी मसल चेंजेस द टाइटनेस ऑफ द जोन्यूलर फाइबर्स. जोन्यूलर फाइबर्स किसको कहा गया? वही सस्पेंसरी लिगामेंट्स को. जोन्यूले ऑफ जिन भी कहा था ना मैंने, जोन्यूले ऑफ जिन, इसी को सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा था हमने. इट ऑल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस, अडेप्टिंग इट फॉर नियर और फार विजन. पास देखना है या दूर देखना है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये चीज बदल जाती है. आगे बढ़ते हैं. नाउ, जो बात मैंने आपको बोली थी, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर रिफ्रैक्शन टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना. राइट? जैसे मान लीजिए ये एक नियर बाय ऑब्जेक्ट है और लेंस को इसके लिए ज्यादा कॉन्वेक्स होना पड़ेगा. फाइनली अगर हम चाहते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो यहां तक पहुंच रही हैं. सो नियर बाय ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर रिफ्रैक्शन, सो लेंस इज मोर कॉन्वेक्स. और अगर ये बात किसी फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए हो रही होती, तो वहां पर लेंस जो है उसको कम कॉन्वेक्स करेंगे. ठीक है जी, सॉरी फॉर दिस पुअर ड्राइंग. फार अवे ऑब्जेक्ट लेस रिफ्रैक्शन, नियर बाय ऑब्जेक्ट मोर रिफ्रैक्शन, यही बात लिखी हुई है. ये बेसिक फिजिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ आयरिस का जिक्र करते हैं. नाउ वी कम टू आयरिस. आंख को रंग कौन देता है? हमारी आई का जो कलर है वो किस कारण से है? आप देखिए, इसमें जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है, मैंने कहा था एस से सफेद और एस से स्क्लेरा. स्क्लेरा इज फॉर्मिंग द वाइट ऑफ द आई. स्क्लेरा से आगे यहां पे ट्रांसपेरेंट लेयर कॉन्टिन्यूस है इसके ऊपर, वो है कॉर्निया. क्योंकि वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है तो आप देख नहीं सकते कॉर्निया को, है ना. और ये जो बड़ा वाला गोला आपको दिख रहा है, ये क्या है? आयरिस. आयरिस किसकी कॉन्टिन्यूटी है? कोरॉइड की ही कॉन्टिन्यूटी है. आंख का जो रंग होता है वो आयरिस के कारण है. किन किन बातों पे आई कलर डिपेंड करता है? आई कलर डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ आयरिस, अमाउंट ऑफ मेलानिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन.
कितना मेलानिन है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे जो है आयरिस का कलर निर्धारित होता है। पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों का आयरिस एक जैसा नहीं होता, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी नहीं होता। आयरिस का पैटर्न हर इंसान के लिए यूनिक है। आपने देखा होगा जब हम आधार कार्ड बनाते हैं या इवन और भी कई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ चाहिए होते हैं पासपोर्ट के टाइम पे भी, तो आयरिस की पिक्चर ली जाती है, राइट? वो आयरिस की पिक्चर हर इंसान की यूनिक है और इट इज़ कन्वर्टेड इंटू अ कंप्यूटर कोड दैट इज़ यूज्ड एज अ सिक्योरिटी कोड, राइट? हर इंसान के लिए वो अपना एक सिक्योरिटी कोड है, क्योंकि कभी भी दो इंसानों का आयरिस जो है वो एक जैसा नहीं होता है। क्लियर हुई ये बात इतनी? नाउ आयरिस का पैटर्न आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यूनिक है यहां पे। आयरिस क्या है? इट इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई बॉल। इट इज सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस and it is attached to the outer margin to the ciliary processes. जो आँख का middle coat था, याद करके देखिए, मान लीजिए ये middle coat है, यहीं पर आगे ऐसे करके ये iris बनाया हुआ है इसने, this is iris, so say this is the middle coat. हम middle vascular layer तो पढ़ रहे हैं, ये आगे वाला हिस्सा iris है और यहीं पर हमने पढ़ा था इस तरह से इसने ciliary body बनाया हुआ, this is ciliary body. This ciliary body is holding the lens by what? By these suspensory ligaments, okay? बिल्कुल एक rough sketch बना करके मैंने आपको दिखाया है कि हम इस iris का जिक्र कर रहे हैं and this iris और इसके अंदर ये जो aperture बन जाएगा, ये जो छेद है, this is what is pupil. ये एक side view से आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज़ आपको सामने से दिख रही है, ये बीच वाला जो काला छेद दिख रहा है, this is what is pupil. Pupil का diameter vary करता है, तेज रोशनी में है आप या मध्यम रोशनी में है, उसके अनुसार प्यूपिल बड़ा या छोटा होता है, राइट? प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन है, प्यूपिल का डायलेशन है, जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए बड़े खूबसूरत तरीके से ये आयरिस दिखाया गया है इसमें, राइट जी? और आयरिस के अंदर वो दिख रहा है प्यूपिल, प्यूपिल इज एन अपर्चर इन द आयरिस। देखिए यहां पर लिखा है आई कलर डिपेंड्स ऑन, किन बातों पर आंख का रंग निर्भर करता है? Thickness of iris, amount of melanin, distribution of melanin. The pattern of iris is unique to every individual. हर इंसान का आयरिस का पैटर्न अलग है। पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों का आयरिस एक जैसा नहीं होता। कुणाल ने पूछा है सर आयरिस का कलर किस कॉम्पोनेंट से आता है? बेटा मैंने लिखी है ये बातें, ये देखो, आई का कलर इन बातों पे निर्भर करता है, मेलानिन पिगमेंट कितना है, किस तरीके से मेलानिन पिगमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी का कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ पे जुड़ चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आप क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको कोई नाराजगी नहीं रहेगी। ओके जी, आगे पढ़ें। ओके नाउ यहाँ पे आयरिस के पैटर्न को लेकर के ये एनिमेशन दिखाया गया है कि आयरिस का पैटर्न अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का हो सकता है। आयरिस कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स, मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स। इसके अलावा आयरिस में सर्कुलर मसल्स भी हैं, आयरिस में रेडियल मसल्स भी हैं और ये एक्चुअल में स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। आयरिस को अगर हम सामने से देखें, मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आयरिस, मान लीजिए ये बिल्कुल फ्रंटल व्यू हम देख रहे हैं आयरिस का। आयरिस के सेंटर में ये जो अपर्चर है ये है प्यूपिल, ठीक है जी? आयरिस के मसल्स, देर आर रेडियल मसल्स जो ये रेडियस पे हैं। इन्हीं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण प्यूपिल जो है बड़ा या छोटा होगा। ये जो ऐसे ऐसे दिखा दिए ये रेडियल मसल्स हैं। अब मान लो इसी में हमने सर्कुलर मसल्स दिखाने हैं, ब्लू कलर ले लेता हूं मैं उसके लिए। सो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं जी, ऐसे सर्कुलर मसल्स, ओके। इनको कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले भी कहते हैं। ये जो सर्कुलर मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। सो दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले। और जो रेडियस पर हैं दे आर कॉल्ड डायलेटर प्यूपिले। ये जो ब्लैक कलर से दिखाए थे ऐसे, दे आर डायलेटर प्यूपिले। ये क्या है? ये मसल्स हैं
सबसे पहली बात लिखी है ना, आयरिस कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट, मेलानिन पिगमेंट वाले सेल्स तो हैं ही, इसके अलावा सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स, वही सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं, और सेंटर में ये जो एपर्चर है ऑब्वियसली ये प्यूपिल है। प्यूपिल का डायमीटर वेरी करता है 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक। फीमेल्स में प्यूपिल जो है वो कंपैरेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। प्यूपिल नॉर्मली 3 to 4 मिलीमीटर जो है वो रहता है। टीनेज में प्यूपिल जो है वो अपने मैक्सिमम साइज पे होता है। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप के लिए तो आंखों में ड्रॉप्स डाल के दवाई डाल के कहते हैं ना, थोड़ी देर आप आंखें बंद करके बैठे रहिए 15-20-25 मिनट। वो क्यों? ताकि उससे आपका प्यूपिल डायलेट कर जाए। एट्रोपीन दवाई होती है वो जो प्यूपिल को डायलेट कर देती है। प्यूपिल डायलेट होने से क्या होता है, फिर डॉक्टर जब आपका आई चेकअप करता है तो पूरा अंदर तक वो देख सकते हैं, फंडोस्कोपी कहते हैं, आँख के अंदर गहराई से देख सकते हैं। क्लियर है जी? राइट नाउ यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आयरिस डिटरमिन्स द आई कलर। आंखें अलग अलग रंग की होती हैं अलग अलग लोगों में। जब आपका आंख का रंग ब्राउन से ब्लैक तक है, इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन है, तो आपकी आंखें भूरी हैं या काली हैं। आपकी आंखें जब नीली है ब्लू, व्हेन द मेलानिन कंसंट्रेशन इज वेरी लो, तो आई कलर ब्लू होगा। ग्रीनिश होंगी व्हेन द मेलानिन कंसंट्रेशन इज मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होगा, तो आई कलर ग्रीनिश नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आयरिस जो है इट बिहेव्स लाइक डायफ्राम ऑफ ए कैमरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज पूछी जाती है कि आंख में वो कौन सा स्ट्रक्चर है विच बिहेव्स लाइक डायफ्राम ऑफ ए कैमरा। कैमरा में डायफ्राम का यही काम होता है कि लाइट कितनी आनी है आंख में। इट रेगुलेट्स द आयरिस रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आईबॉल थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? वो जो होल है उसमें जो छेद है। प्यूपिल इज द होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिस। प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक, जो हमने देखा था ना कि प्यूपिल काला नजर आ रहा है, क्यों? बिकॉज एज यू लुक थ्रू द लेंस यू सी द हैवीली पिगमेंटेड ब्लैक ऑफ द आई। बिकॉज जब आप आंख के अंदर देख रहे हैं तो आपको सब काला नजर आएगा क्योंकि वहां पे हैवीली पिगमेंटेड जो है कोरोइड लेयर प्रेजेंट है। क्लियर है जी? ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होते हुए दिखाया हुआ है। प्यूपिल बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब कोई इंसान मर जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्यूपिल फिक्स हो जाता है। प्यूपिल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट, राइट? आपने देखा होगा कि डेथ होने पे डॉक्टर आंखें खोल के ऐसे देखते हैं पेशेंट की, टॉर्च किसे लाइट भी मार के देखते हैं, वो यही देखा जाता है कि क्या प्यूपिल लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम कहते हैं ना कि मृत्यु समय आंखों की पुतलियां जो हैं वो फैल गई, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फिर लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। अदरवाइज प्यूपिल बड़ा या छोटा होता रहता है लाइट को अलाउ करने के लिए कि कितनी लाइट आंख में जानी चाहिए। अगर आप बड़ी तेज रोशनी में बाहर धूप में, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड मायोसिस। जब आप कमरे में अंदर एंटर करेंगे जहाँ लाइट कम है तो थोड़ी देर तक अंधेरा अंधेरा सा लगता है। सिनेमा हॉल्स में ऐसा होता है, जब आप मूवी देखने जाते होंगे तो बाहर से जा रहे हैं, बड़ी तेज़ रोशनी है, जैसे सिनेमा हॉल में एंटर करें हमें सब अंधेरा अंधेरा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर लाइट कम है और आपका प्यूपिल जब आप बाहर से आए तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड था। प्यूपिल को डायलेट होने में समय लगता है। सो थोड़ी देर जब आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठ जाते हैं फिर आपको सब कुछ देखने लग जाता है क्योंकि तब तक प्यूपिल डायलेट कर चुका होता है। ठीक है जी? Pupil is an aperture in the center of iris. It allows free entry of light. Its ka diameter vary karta hai 2 millimeter se 8 millimeter tak. Normally it is 3 to 4 mm. Pupil is larger in females as compared to males. फीमेल्स में प्यूपिल जो है आप देखिएगा, चेक करिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, फीमेल्स में प्यूपिल मेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। यस जी, प्यूपिल इतना बड़ा हो सकता है पूरा आयरिस तक आपको लगेगा कि पूरे का पूरी चीज़ काली होगी। एट्रोपिन दवाई आप आंखों में जब डलवाते हैं, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ हो उनको ये पता होगा कि जब आप आंखों में एट्रोपिन दवाई डलवाते हैं, डॉक्टर से आई चेकअप करवा लेते हैं और फिर जब आप घर वापस आ रहे होते हैं ऐसे आंखें लगता है चुंधिया रही हैं, जैसे हल्की सी रोशनी भी इतनी तेज लगती है उस समय। क्लियर है जी? राइट प्यूपिल जरूरी नहीं है गोल हो, कई जानवरों में वर्टिकल स्लिट लाइक प्यूपिल भी होता है। देर आर मैनी एनिमल्स, कार्निवोर्स हैं कई, उनमें प्यूपिल स्लिट लाइक भी होता है। सब में प्यूपिल गोल हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है अनुरेश, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं।
कैन यू प्रोसीड फॉरवर्ड? प्यूपिल के बारे में इतनी जानकारी बढ़िया लगी, ग्रेट. लिखा है जी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट एंड डायलेट्स इन डिम लाइट. प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने को कहते हैं मायोसिस. प्यूपिल के डायलेट होने के लिए टर्म यूज करते हैं मायोडायसिस. जिन दवाइयों के कारण, ड्रग्स विच कॉज मायोसिस आर मायोटिक्स. एसिटाइल कोलीन जो है प्यूपिल को छोटा कर देती है. ड्रग्स विच कॉज मायोडायसिस आर मायोडायटिक्स. एट्रोपीन जो है, मैंने बताया ना, जब डॉक्टर आई चेकअप करते हैं आपका तो एट्रोपीन ड्रॉप्स डालते हैं आंखों में. आफ्टर डेथ प्यूपिल डायलेट्स एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट. ये बात इंपॉर्टेंट है. इंसान जब मर जाता है, जब हम उसे क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करते हैं, दैट द पर्सन इज डेड क्लिनिकली, तो उसका पल्स स्टॉप है, नब्स जो है वो रुक जाएगी, ब्रीदिंग स्टॉप्स, हार्ट बीट स्टॉप्स, प्यूपिल डायलेट्स. ये चार फीचर्स अगर आपको मिल गए हैं तो इसका मतलब है उस इंसान की मृत्यु हो रखी है, द पर्सन इज डेड. क्लियर है जी? सो डेथ के बाद, आफ्टर डेथ द प्यूपिल डायलेट्स एंड इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट. क्लियर जी? प्यूपिल से रिलेटेड सारी बातें. आगे बताऊं कुछ और? नाउ इधर देखिए, इस डायग्राम में इतने बड़ा मैंने आपके लिए यहां पे बनवा दिया है डायग्राम, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं. राजा बेटा, ये रहा प्यूपिल, ये बीच में जो काला गोला दिख रहा है प्यूपिल लेबल्ड है. इधर देखो, प्यूपिल डायलेटेड, यहां पे प्यूपिल फैल गया पूरा, ओके. और उधर वाले डायग्राम में देखो, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड, छोटा. लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से, जहां पे मैं सेंटर में खड़ा हूं, ये नॉर्मल प्यूपिल है. मेरे दाएं बाएं आप वेरिएशंस देख पा रहे हैं, प्यूपिल डायलेटेड कैसे है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसे है. सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है इस पे. हम कहते हैं ना, डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई. डर कब है, मतलब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ आपका, तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है. यहां पे लिखा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब डायलेट हुआ, एक्टिव हुआ है, प्यूपिल डायलेट्स. Pupil dilates as radial muscles of iris contract. ये sympathetic response है. तो सादी भाषा में याद रखिए, डर के मारे हम कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई, pupil dilate कर गया. Parasympathetic के response में pupil constrict कर गया. Clear है जी? Right? इशिका कह रही है अलग अलग medical colleges के बारे में बताइए. चलिए, आने वाले समय में ये भी जरूर लेके आएंगे आपके लिए. सार्थक जी, खुशी, संयोगिनी, हुमा, शाबाज, आयशा, हमा, ओके, हाँ जी, क्लियर है. आयशा, पारस, शिवेंद्र, अभिषेक, कृष्णा, ताहिर, नीता, तमन्ना, चंदन, छाया, हाँ जी, मैं आज बहुत सीरियस हूँ. अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है सीरियस तरीके से हम पढ़ें, बिकॉज आई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस साल भी कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत से बच्चों का वो गलत गया था क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं बताया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वो डिटेल में पूछ लेते हैं. हाँ जी मेरे बेटा, बढ़ सकते हैं आगे. शिवानी, क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं. जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं दबाया है, जल्दी से आपका लाइक जो है वो आ जाना चाहिए स्क्रीन पे, बिकॉज आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं. अनुरेश जी, ऋषिकेश, अहमद, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. नाउ आप यहां पे भी देख लीजिए, कोई मुझसे पूछा था ना, प्यूपिल इतना डायलेट कर सकता है? इधर देखो मेरे राजा बेटा, यहां पे आपको प्यूपिल मैक्सिमम डायलेशन पे दिख रहा है, और यहां पे प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है. आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ, देखिए प्यूपिल, देखिए गौर से आंख के अंदर, ब्राउन आईज दिखाई है यहां पे, और आप देखेंगे प्यूपिल एक तरफ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एक तरफ डायलेटेड है, लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से. ग्रेट, राइट. बढ़ू जी आगे? गुड, डायग्राम पसंद आ गया आपको, और प्यूपिल अच्छे से समझ आ गया है सबको. दो बातें याद रखनी है, प्यूपिल इज एन एपर्चर इन द सेंटर ऑफ द आयरिस. आयरिस बिहेव्स लाइक डायफ्राम ऑफ अ कैमरा. प्यूपिल अलाउज द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में प्यूपिल डायलेट्स. पैरासिंपैथेटिक के रिस्पॉन्स में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट्स. डिम लाइट में डायलेट, ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट. बस ये बातें हैं जो प्यूपिल से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं. आगे बढ़ते हैं, फिर से इधर देख लीजिए, ये वाली चीज है आयरिस. देर आर स्फिंक्टर प्यूपिले एंड देर आर डायलेटर प्यूपिले.
यहाँ पे pupil मैंने पूरी तरह से sympathetic response में dilated दिखाया है. This is a dilated pupil. So dilator pupil muscles contract, the pupil size increases. और उधर दूसरी तरफ देखेंगे, sphincter pupil muscles contract, the pupil size decreases. Decreased, increased. और बीच में normal size का pupil दिखाया गया है. जबरदस्त है, बढ़िया है ना डायग्राम्स. ग्रेट. चलिए जल्दी से, 500 लाइक्स का टारगेट होता है आपका, 400 कराएंगे अभी आपने, और बढ़ाइए जल्दी से. राइट, चलो पूरी एनर्जी के साथ, जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फोटोग्राफ जब खींचते हैं और पिक्चर जब आती है बाद में, तो आंख के अंदर एक रेड कलर का निशान आ जाता है, रेड आई जिसे कह देते हैं. ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, जब आप कि फोटोग्राफ खींची गई, फ्लैश बड़ी तेजी से आपकी आंख में जाएगी. सो वैसे तो आप जानते हैं कि जब लाइट आंख में जाती है तो कोरोइड लेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, है ना. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट आंख में एंटर करेगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है. कोरोइड उस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर आती है वो हमें रेड नजर आती है. फिर कैमरा में जब पिक्चर आती है तो उसमें रेड आई आ जाता है, जिसको फिर वो बाद में करेक्शन करना पड़ता है हमें फोटोशॉप में. समझे आप बात ये? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेंस, अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लेंस का जिक्र करते हैं. मैंने काफी सारी बातें तो लेंस के बारे में आपको बता दी थी. मैंने एक बताया आपको कि लेंस इज इलास्टिक बायकॉन्वेक्स लिविंग स्ट्रक्चर. लेंस एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लेंस डेड नहीं है आंख में जो है. इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टरी पावर. आंख में जब लाइट एंटर करती है तो जितनी भी चीजों से टकरा के जा रही है सभी रिफ्रैक्शन कर रहे हैं. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन दे रहा है? कॉर्निया, क्योंकि हवा की डेंसिटी और कॉर्निया की डेंसिटी में अंतर सबसे ज्यादा है. द डिफरेंस इन डेंसिटी इज मैक्सिमम. तो कॉर्निया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन दे रहा है. पर अगर सवाल पूछा जाए कि विच इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई विच इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टरी पावर, तो वो होगा लेंस. पास वाली चीज के लिए अलग तरह का रिफ्रैक्शन, दूर वाली चीज के लिए अलग तरह का रिफ्रैक्शन. क्लियर है? लेंस लिविंग है, एक्वस ह्यूमर से इसे न्यूट्रिशन मिलता है. इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, एंड दोज सेल्स हैव क्रिस्टलिन प्रोटीन्स. लेंस की रिफ्रैक्शन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्रिस्टलिन. लेंस सेल्स लूज देयर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू बिकम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट. जैसे ही लेंस ग्रो कर रहा है, लेंस के सेल्स की ऑर्गेनल्स खत्म हो जाती हैं. आप पढ़ते हो ना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो भाई लेंस के सेल्स में भी नहीं होता. दे लूज देयर न्यूक्लियस, देयर माइटोकॉन्ड्रिया, देयर ऑर्गेनल्स, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ताकि वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बन जाएं. और वो लेंस के सेल्स लेंस फाइबर्स कहलाते हैं. टू बिकम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, लेंस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर लेंस के आगे भी है और लेंस के पीछे भी है. आप जनरली सोचते होंगे कि भाई लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर है. एग्रीड, विट्रियस ह्यूमर है. विट्रियस ह्यूमर जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है, विट्रियस बॉडी कहते हैं उसे, दैट इज कवर्ड बाय हाइलॉयड मेम्ब्रेन. तो हमने पढ़ा कि सीलरी बॉडी के बीच में लेंस है, सीलरी प्रोसेसेस एक्वस ह्यूमर बना रही हैं. वो एक्वस ह्यूमर लेंस के आगे, लेंस के पीछे, दोनों तरफ है, क्योंकि लेंस की एक पर्टिकुलर कॉन्वेक्सिटी है ना. अगर वो सिर्फ आगे आगे होगा तो लेंस के आगे आगे वाले सेल्स को ही न्यूट्रिशन मिलेगा, लेंस के पीछे वाले सेल्स तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? डिफ्यूजन डिस्टेंस तो इतना ज्यादा हो जाएगा ना. सो मान लो जैसे ये मेरा हाथ है, ये लेंस है, तो इधर अब मान लीजिए आपकी तरफ, सामने की तरफ जो है इधर से लाइट रेज आ रही है, यहां तो एक्वस ह्यूमर है ही भाई, पीछे भी एक्वस ह्यूमर है. तो लेंस के जो इक्वेटर वाले बिल्कुल मिडल वाले सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन के सोर्स से सबसे दूर हैं. आगे वाले सेल्स को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, पीछे वाले सेल्स को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है एक्वस ह्यूमर से. क्लियर है राजा बेटा? राइट, लेंस के बारे में कितनी नई बातें पता चली हैं आपको आज. लेंस कॉन्टिन्यूस टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ. लेंस जो है वो सारी उम्र साइज में बड़ा होता रहता है. ओके, बढ़ती उम्र के साथ लेंस की जो एबिलिटी है चीजों पे फोकस करने की वो जरूर कम होती है. प्रेस बायोपिया मैंने बताया. विद एडवांसिंग एज देयर इज डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ लेंस एंड दिस इज कॉल्ड
प्रेसबायोपिया। नाउ आपने सफेद मोतिया सुना होगा, है ना, लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। व्हाट इज दैट कैटारेक्ट, सफेद मोतिया? इट्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द लेंस। लेंस पे प्रोटीन्स डिपॉजिट होते हैं, लेंस ओपेक होता जाता है, फिर ऐसा डिफेक्टिव लेंस जो है हम निकाल देते हैं, या तो लेजर से हम करते हैं ऑपरेट, नहीं हो तो हम वो लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। सो कैटारेक्ट या सफेद मोतिया क्या है? इट इज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन लेंस। इन कैटारेक्ट सर्जरी द डिफेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल आईओएल। व्हाट इज आईओएल? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। लेंस एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट ऑल्सो। लेंस जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, ग्लोकोमा अलग चीज़ है बेटा, जो आप ग्लोकोमा पूछ रहे हो। शंकर बेटा हिंदी तो बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में आपको हर चीज़ समझा तो रहा हूँ बच्चे, लेकिन जो जो टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में है वो तो हमें इंग्लिश में बोलनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते थे बेटा, तब क्या होता था कि लेंस निकाल देते थे हम। अब हमारे पास आर्टिफिशियल लेंस तब अवेलेबल नहीं था, तो उस समय फिर बहुत मोटा चश्मा लगाना पड़ता था। गांव देहात में आपने शायद कभी देखा हो, बहुत मोटा चश्मा लगाते थे बुजुर्ग लोग, बिकॉज आर्टिफिशियल लेंस अवेलेबल ना होने की वजह से फिर हम चश्मा जो लगा देंगे वहां से लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाएगी और फाइनली इमेज बनेगी। तो लेंस के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हुई हैं मेरे बच्चे? बताइए जल्दी से। आर्टिफिशियल लेंस को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है बुशरा बेटा। कुणाल जी प्रणाम, चेतना ने सही कहा है। ग्लोकोमा सर्वेश काला मोतिया होता है। काला मोतिया मैंने आपको बताया था किस कारण से है, कि जो कैनाल ऑफ श्लेम होती है कॉर्नियन स्क्लेरा के जंक्शन पे, कैनाल ऑफ श्लेम जब ब्लॉक हो जाती है तो आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट इज काला मोतिया। हाँ जी बताइए जल्दी से। क्लियर है इतनी सब चीज़ें? निमेश, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं आप ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। भाई ऐसे हैं, जैसा है भाई, आपको ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमने भी आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करा है, सो यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। ओके जी बढ़े आगे। कुणाल, पुनीता, बनी, सचिन शर्मा, निशांत, सर्वेश, मोतिया बिंद क्या है बेटा? कैटारेक्ट। कैटारेक्ट को हिंदी में बोल देते हैं सफ़ेद मोतिया, या मोतिया बिंद भी बोल देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है लाइक, जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए। राइट बेटा जी, डिस्कस करेंगे आगे हम मोनोक्यूलर विजन, बायनोक्यूलर विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन। राइट जी, अभी रेटिना हमने नहीं पढ़ा है। नाउ अब मेरी बात सुनिए, देखिए लेंस का कितना खूबसूरत डायग्राम आपको एक एनलार्ज्ड व्यू में ऐसे काट के दिखाया गया है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये आईबॉल को कट करके दिखाया गया है। ये जो ऊपर ऐसे छतरी जैसी चीज नीली नीली दिख रही है, ये पूरी चीज है ऐसे कॉर्निया। ये रहा कॉर्निया, राइट। उसके नीचे ये रहा आयरिस, आयरिस को भी कटा हुआ दिखाया है यहां से। ये जो ब्राउन ब्राउन कलर चीज है, ये आयरिस है, पूरी प्लेट कट करके दिख रही है आपको ऐसे। इसके बीच में जो अपर्चर है दैट इज प्यूपिल, प्यूपिल से लाइट आई। उसके नीचे ये वाली चीज जो है लेंस, ये भी कटा हुआ दिख रहा है, और ये लेंस के पीछे पोस्टीरियर कैविटी है। राइट जी, सो क्लियर हुआ आपको थ्री डायमेंशनल वे में? लेंस, कॉर्निया, आयरिस। सो कॉर्निया एंड आयरिस के बीच वाली ये वाली जो जगह है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एंटीरियर कैविटी। इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, यहां पे एक्वस ह्यूमर है कॉर्निया के पीछे। कॉर्निया परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, इसलिए जब आप सामने से देखेंगे तो आपको कॉर्निया नहीं देखेगा। राइट जी, मुस्कान, सखी, खुशी, निकिता, पुनीता, ग्रेट, वंडरफुल जी। राइट, चलिए अब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आने वाली क्लासेस में, आई अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू,
आई में अभी क्या बचा है हमारे पास, रेटिना बचा है. यहाँ पे भी लेंस का देखिए एक्वस ह्यूमर का फ्लो दिखाया हुआ मैंने. ये सीलरी प्रोसेसेस से एक्वस ह्यूमर बन के लेंस के आगे, तो यहाँ से ऑफ कोर्स ये लेंस के पीछे की तरफ भी होगा और फिर ये ऐसे होके इधर ड्रेन हो जाता है स्क्लेरल वेनस साइनस में, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन जो है कैनाल ऑफ श्लेम. यहाँ पे इस डायग्राम को भी आप ध्यान से देखिएगा लेक्चर अपलोड हो जाने के बाद, राइट. ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मैं आपको बता दूं आने वाली क्लासेस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के डिफरेंसेस बताऊंगा आपको, इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे, ग्लोकोमा जैसा मैंने आपको बताया, रेटिना का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है, रॉड्स एंड कोन्स क्या होती हैं, कैसे अरेंज्ड हैं रॉड्स एंड कोन्स, ये डिस्कस करेंगे, राइट जी. सो आने वाले लेक्चर्स में आप हमारे साथ बनिए रहिएगा. आपको आई का वर्किंग भी अभी समझाना है, असेसरी स्ट्रक्चर्स हैं आई बॉल के वो भी डिस्कस करेंगे, रोडोप्सिन आयोडोप्सिन क्या है, किस प्रकार से रॉड्स एंड कोन्स सिग्नल जनरेट करते हैं, और फाइनली किस तरह से जो इमेज है वो रेटिना में बनती है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऑप्टिक डिस्क क्या है, फोविया सेंट्रलिस क्या है, ये सारी चीजें आने वाली क्लास में डिस्कस होंगी. आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच इशिका फैजान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपसे बात करके, आपको पढ़ा के. लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिएगा. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेटा. एंड पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा. इंजीनियरिंग के लिए ये हमारे सिस्टर चैनल है जेई, एंड क्लास 9th एंड 10th के लिए फाउंडेशन. नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर.